Good morning. Good morning. It seems you've got the role. I hope so. One second. Hello? Miss Kumar is here, sir. Okay. Jaiye. Mr. Sharma aapka intezaar kar rahe hain. Thank you, sir. May I come in, sir? Oh, I. Thank you. Betty. Thank you. On God today. Eh? जी मैं हमेशा वक्त पर आती हूँ. दरअसल उस दिन की बात जाने दीजिए. आपके लिए कुछ खबरी है. इस सीरियल में आपको लीड रोल मिल गया है. बधाई. God unlucky. Thank you. क्यों? आप टैलेंटेड भी हैं. लेकिन टैलेंट के साथ मेहनत और वक्त का पाबंद करना बहुत जरूरी है. मैं आपको निराश नहीं करूंगी. ठीक. अब आपके सिलेक्शन के बाद मेरा काम तो खत्म हो गया. अब आपका वास्ता हमारे डायरेक्टर से पड़ेगा. उन्होंने आपका ऑडिशन देखा है. आपका काम भी उन्हें पसंद आया है. लेकिन ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. काम में जरा सा भी ढील या वक्त पर ना आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी. गुड. अब आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें. जी. जब तक ये सीरियल पूरा नहीं होगा आप दूसरा सीरियल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है? ओके. फाइन. यहां दस्तखत करें. मे आई हैव अ पेन प्लीज? यस. Come. I wish you best of luck. Thank you. I need it. Just a minute. Here is your script. Thank you. तूने फिर फिजूल खर्ची की. अरे जनाब ये हमने नहीं खरीदे हैं, ये आपके लिए आए हैं थैंक्स के बतौर. तो तूने क्यों खोला डब्बा? मिसेस लीलानंद, वेरी शार्प मेमोरी. क्या मतलब? टैक्सी में मैंने उन्हें अपना पता बताया था तो याद रह गया. इज नॉट अमेजिंग? तूने काफी इंप्रेस किया होगा. व्हाट रबिश. रे रकिशमिश का कौन कौन था? वो शर्मा जी थे. और वो टॉल डार्क एंड हैंडसम मिला? वो भी मिला. कुछ गुल खिला? वेरी सिली. अच्छा बाबा नहीं पूछूंगी. उठाना. तू उठा लेना प्लीज. नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, मैं अभी बाहर से आई हूं. अरे प्लीज उठा लेना, नहीं बंद हो जाएगा जल्दी. हेलो. जी बोल रही हूँ. मिसेज आनंद नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर द बॉक्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स. इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं तुमसे फोन पे कैसे बात कर सकती थी? अब तबीयत कैसी है? वैसे तो ठीक हूँ मगर तबीयत का हाल फोन पर नहीं घर आकर पूछना चाहिए. किसी दिन जरूर आऊंगी. किसी दिन नहीं क्योंकि किसी दिन का वादा इंसान अक्सर भूल जाता है. आज शाम को आ जा. वो तो पूछना पड़ेगा. किससे? अपनी दोस्त से. उसके साथ रहती हूँ ना. उसे भी साथ लेती आओ और दोनों आज शाम को ही आ जाना. एक मिनट, मिसेज आनंद है शाम को बुला रही है, कुछ बहाना बना दे. ला दे एक मिनट. हेलो मिसेज आनंद, मैं प्रिया बोल रही हूँ, मोना की सहेली. हाँ हाँ हम लोग आएंगे आज शाम को, जरूर आएंगे. हाँ फिर मिलते हैं. नमस्ते. नमस्ते बेटा. तू कभी नहीं बदलेगी. इन बड़े लोगों से दूरी रहना समझे. अरे एक बार मिलने में क्या हर्ज है,
इतनी प्यार से बुला रही है, चल मिल लेते हैं, चल अब खाना बनाते हैं, चल। मिसेज आनंद हैं? आप मिस कुमार हैं ना? आइए आइए, वो आप ही का इंतजार कर रही है, आप बैठिए। थैंक यू। वाओ, यह जोरदार बंगला है। मिसेज आनंद तो इससे भी ज्यादा जोरदार है। अच्छा, वो देखो उनकी तस्वीर, आओ दिखाते हैं। Isn't she lovely? Yeah. I told you. Good to see you, Mona. Mrs. Anand. Priya, huh? Hello. ये आपके लिए है। Thank you. That's very sweet. आज आप बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही हैं। मोना, उम्र बढ़ रही है, मगर दिल और दिमाग तरोताजा रखने की मैं हरदम कोशिश करती हूँ। वो तो जाहिर है, एक बार बताया हुआ पता और टेलीफोन नंबर आपको जुबानी याद रह गया। तुम बातें बहुत प्यारी करती हो मोना, तुम और तुम्हारी सहेली प्रिया काम क्या करते हो? जी थोड़ा बहुत स्टेज कर लेते हैं, यानी एक्टिंग। बम्बई में तुम दोनों अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? नहीं, मम्मी और पापा मद्रास में हैं, उनका वहाँ ट्रांसफर हो गया है। मोना और मैं अपने फ्लैट में रहते हैं। और मोना, तुम्हारे पेरेंट्स? जी वो अंकल और आंटी एक एक्सीडेंट में। आई एम सो सॉरी मोना। प्रिया ही मेरी फैमिली है। चलो नाश्ता लग गया, आ जाओ। रामदीन जी, बाद में चाय वगैरह ले आना। हाँ, बैठ। गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत पसंद है तुम्हें? बेहद। लेकिन जब से मम्मी गई है चाय बनाना मुश्किल है, गाजर का हलवा कौन बनाएगा? जी भर के खाओ और अच्छा लगे तो साथ भी लेती जाना। जी मेरा मतलब ये नहीं था। तुम दोनों खाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ और रही कौन खाने वाला? अगर आपको फुर्सत है तो हमारा प्ले देखने आइए ना। जरूर आऊंगी। तुम भी काम कर रही हो मोना? जी नहीं, ये तो अब स्टार बन गई है, एक टीवी सीरियल में लीड रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है। ओह रियली? क्या नाम है टीवी सीरियल का? फासले। याद है जिस दिन हम मिले थे, मैं उसी के ऑडिशन के लिए जा रही थी, देर हो गई थी इसीलिए टैक्सी लेनी पड़ी। यही बात तो मुझे भाग गई कि तुम्हें देरी हो रही थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। अच्छा हुआ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, वरना मुझे बहुत दुख होता। क्या नाम है तुम्हारे डायरेक्टर का? मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? कहते हैं वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है। तो क्या हुआ, तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, तो डर कैसा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मोना से ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती लड़की दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। प्रिया, इज दैट योर ग्रैंडचाइल्ड? नहीं, वो मेरा बेटा है, बहुत मूडी है, तस्वीरें खिंचवाने से सख्त नफरत करता है, सो मैंने बचपन की लगा रखी है। He is very cute. बहुत मूडी बेटा है मेरा। मोना, तुम 15 को क्या कर रही हो? कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है? बिल्कुल फ्री है। मैं एक पार्टी देने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम दोनों आओ। मिसेज आनंद, वो बात ऐसी है। नो एक्सक्यूजेस प्लीज, तुम्हें आना पड़ेगा। आप इतना प्यार से बुला रही हैं मिसेज आनंद, हम लोग दोनों जरूर आएंगे। प्रिया, मोना, स्टार बनने के बाद ये सब नखरे करना, ये हलवा खाने के बाद तो मैं पार्टी छोड़ने से नहीं। That's the spirit. Can we have a table for two, please? Yes, ma'am. Yes, can we have a table for two, please? I'm sorry, at the moment there's no table vacant. लेकिन उस कोने में तो एक है ना? नहीं ma'am, वो reserved है। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, शायद खाली हो जाए। Thank you. कोई भी तो टेबल फ्री नहीं है, चलो ना। अरे वाह, बिना खाए पिए चले जाएं। हेलो मीटर साहब, हाँ दोस्त, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आ। यस प्रिया, यहाँ खड़े खड़े बड़ा ऑड लगता है। ठहर ना, थोड़ी देर में कोई ना कोई टेबल खाली हो जाएगी, कहीं जाकर पाव भाजी खा लेंगे ना। नो थैंक्स, आज तुम इतने सस्ते में छूटने वाली नहीं। नो वे। लुक, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग द टेबल, वो देख सामने रोहन बैठा है। कहाँ? जरा मुड़कर देख। देख। दो देवी इसी तरफ तशरीफ ला रही हैं। चलो,
उन्हीं के साथ बैठ जाता हूँ। हो गई सारी मेहमान की छुट्टी। अभी ये क्या कह रहा है यार, लड़कियों की कंपनी से तो डिनर में जाना चाहिए। और वो सुना नहीं तुमने, क्यों करता है ये नादानी, माया तो है आनी जानी। ओह शट अप यार। हेलो, हाय मोना, रियली इज अ प्लेजर टू सी यू। अच्छा, शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। नमस्ते जी, मुझे सुंदर कहते हैं। आइए ना, बैठिए प्लीज। यहाँ पे क्या हमेशा ऐसी भीड़ रहती है? पता नहीं, हम तो आज पहली दफा ही आए हैं। हद हो गई, इसमें हंसने की क्या बात है? I'm sorry, लेकिन आज हम लोग भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं। लेकिन हमारे सेलिब्रेट करने का तो रीजन है, आपका क्या रीजन है? रीजन? हाँ वो रीजन है ना, वो दरअसल बात यह है कि मेरे साथ जिंदगी में हमेशा अन्याय होता आया है, होता आया है और होता रहेगा। हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मोना जी, आप तो स्टेज पर नहीं है ना, आपको पता है मैं लगातार 5 सालों से स्टेज का वेटरन बन गया हूँ। रियली? यस, कभी झाड़ू लगाता हूँ, कभी फर्नीचर झाड़ता हूँ, या तो फिर कभी हुक्का पकड़ाता हूँ। अरे भाई, इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है, इस बार तो हद हो गई। अब देखो, सुंदर नाम मेरा है ना, है ना, और हीरो बन गए ये जना। What? Yes. अरे वो कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, रोल तो ये जनाब खा गए, क्यों ना हम डिनर ही खा ले। कोई सीरियल है क्या? हाँ, फासले। Oh no. Oh yes. Oh no. Oh no. Congratulations. Thank you. That's good, हाँ? मगर अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हाँ? क्यों गुरु, शुरू हो जाए? हाँ हो जाए। हाँ तो वेटर साहब, यस मिस्टर वेटर, यस सर, आपके इस रेस्टोरेंट में जो सबसे बढ़िया टेस्टी वेजिटेरियन खाना हो ना, ले आइए जी। हाँ, वो क्या है ना, आज की दावत में बटुआ इनका होगा, पसंद आपकी होगी और पेट हमारा होगा। अरे सुंदर जी, आज ही सब कुछ खा लेंगे, आगे की तो सोचिए। आगे भी जाने जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है। मोना, सो गई क्या? तो फिर क्या सोच रही है लेटी लेटी? सोची थी इतना अच्छा ब्रेक मिला है, ये सच है कि सपना? बिल्कुल सच है, ये तो अच्छा है तेरे साथ रोहन है, कोई नया आदमी होता तो बड़ी तकलीफ होती। That's true. आज डिनर में कितना मजा आया, सुंदर तो पागल ही है। हंसते हंसते पेट दुखने लगा। मोना, मैं सोच रही थी मिसेस आनंद की पार्टी में क्या पहन के जाऊं, ये साड़ी कैसी लगेगी, या फिर कोई सलवार या कुछ? हाँ प्रिया, कुछ बहाना बना देंगे, हम वहां किसी को जानते ही नहीं, बेकार बोर होएंगे। तो क्या हुआ, मिसेस आनंद को तो जानते हैं ना, और किसी को जानने की जरूरत क्या है? जितनी शानदार मिसेस आनंद है, उतने ही शानदार उनके गेस्ट भी होंगे। हम बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे। क्यों फील करेंगे आउट ऑफ प्लेस, हम किसी से कम है क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या था? देखो मोना, अगर शो बिजनेस में रहना है तो मिलना जुलना तो पड़ेगा ही, ये बहुत जरूरी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अनजान लोगों के बीच में उलझन सी होती है। अनजान क्यों, मिसेस आनंद तो पहले ही दिन से अपनी सी लगी, इतनी अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, अब नहीं जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या? वही तो, अचानक इतना प्यार, इतना अपनापन। जानती हो प्रिया, उस दिन उनकी निगाहों में मुझे एक अजीब सी शरारत नजर आ रही थी, जैसे मन ही मन वो कुछ सोच रही। मोना, अगर तुम लोगों को ना खुलकर हंसने दोगी ना मन ही मन, तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं प्रिया, कोई तो वजह होगी। वजह है, जरूर है, और इसी का पता लगाने हम कल पार्टी में जाएंगे और यही पहनकर जाएंगे। हेलो,
Dr. Merchant, how about going for a stroll on the beach? Mrs. Anand, you are not sounding okay. एक काम कीजिए, कार में बैठकर मेरे क्लिनिक चले आइए. ओफो, हर वक्त पेशेंट से ढूंढते रहते हो. कभी तो एक दोस्त की तरह पेशा. 15 minutes on the beach. Hello, Mrs. Anand. Hello. Mrs. Anand. Hello, Dr. Merchant. Hello. कहिए, इस वक्त कैसे याद किया? मेरे मन में एक खलबली सी मची हुई है और मैं किसी के साथ शेयर करना चाह रही थी. मेरे बेटे के पास वक्त है ही नहीं और राहुल ने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया. और जब ऐसी कोई बात होती है ना, यू आर द ओनली वन पर्सन जिससे बात करके मेरा जी हल्का होता है. Well, I'm honored. कहिए, क्या बात है? कल मैं एक जरूरी मीटिंग से लौट कर आ रही थी. टैक्सी रोकते रोकते पता नहीं क्यों चक्कर से आ गया मुझे. Oh my God, टैक्सी से क्यों? गाड़ी खराब थी. और आपको कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत निकला कीजिए. ऐसी बात नहीं है डॉक्टर. Then, मेरा ड्राइवर बीमार था और उस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी था. और वैसे भी जो कुछ होता है ना जिंदगी में अच्छे के लिए होता है. अच्छे के लिए होता है, मगर अपना भी ख्याल कीजिए डॉक्टर साहब. जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है और मैं अपनी जिंदगी अपने पांव पर खड़ी होकर जीना चाहती हूँ. बिस्तर पर लेट कर नहीं. मैं ये भूल गया कि जीना कोई आपसे सीखे. अच्छा, फिर क्या हुआ? You know what's interesting? उस टैक्सी में मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई. उसका नाम है मोहना. पता नहीं क्यों जब मैंने उसे देखा ना, मुझे उस लड़की में अपनी बहू नजर आई है डॉक्टर. अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि मैच मेकिंग. मैच मेकिंग करते करते थकती नहीं आप? नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है. दिस विल बी माई लास्ट ट्राई. अगर इस बार भी मैं हार गई ना, मैं दोबारा कभी कोशिश नहीं करूंगी और आपको भी तकलीफ नहीं दूंगी. नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है. अच्छा ये बताइए, आपकी स्कीम में मैं कहाँ फिट बैठता हूँ? मैं बताऊँ? कल मोहना मेरे घर अपनी सहेली प्रिया के साथ दोबारा आई थी. और जब मैंने उसे दोबारा देखा, you know, I was 100% sure कि अगर कोई बहू बन सकती है मेरी, तो यही लड़की मेरी बहू बन सकती है. You know, स्वाभिमानी है, इंटेलिजेंट है, खुददार है एंड खूबसूरती की एक मिसाल है. बहुत तारीफ के पुल बांधती हैं आप. तारीफ के पुल नहीं, तुम देखोगे ना तो तुम भी मेरी बातों से सहमत हो जाओगे. और मजेदार बात क्या है कि मेरा जिद्दी बेटा राहुल उसे पसंद कर चुका है. Now you don't tell me you have told Rahul. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं. अगर राहुल को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया ना, वो मोना से 100 कोस दूर भागेगा. और मैं ये नहीं चाहती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो तुम्हारी तरह बने. यू आर अ कन्फर्म बैचलर. तुम्हारे लिए लड़की देखना मैंने छोड़ दी. एंड आई डोंट वांट माय सन टू बी लाइक यू डॉक्टर. 15 तारीख को मैंने अपने घर में एक पार्टी रखी है और मैंने वहां मोहना को इनवाइट किया है अपनी सहेली प्रिया के साथ, जो उसी की तरह खूबसूरत है, खुददार है एंड शी इज आल्सो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फन लविंग गर्ल. चलो अच्छी बात है. राहुल ये मोना को पसंद कर ले तो उसके जैसी कोई बात नहीं बनेगी फिर. यही तो सारा मजा है. राहुल ने मोहना को अपने सीरियल में हीरोइन तो साइन कर लिया है. मोहना अपने डायरेक्टर को जानती नहीं है और राहुल ये नहीं जानता कि मैं मोहना को जानती हूँ. एंड मोहना डजंट नो दैट राहुल इज माय सन. कैन यू इमेजिन डॉक्टर, राहुल जब मोहना से मेरी पार्टी पे, मेरे ही घर पे 15 तारीख को पहली बार मिलेगा, आई एम डाइंग टू सी द इंपैक्ट ऑन योर फेसेस. आई एम सो एक्साइटेड डॉक्टर. आपकी बात सही है मिसेस आनंद, मगर ये भी हो सकता है कि आपका जिद्दी बेटा नाराज होकर अपनी जिद में बिचारी इस लड़की को अपने सिरे से बाहर निकाल दे. What a spoiled sport you are, doctor. ऐसे नहीं करेगा राहुल. देखते हैं. Let's see what he does. All right. Can I go on a ride, please? Don't overdo it. I won't overdo it. चलिए. चलिए.
जल्दी बैठ जाओ। जरूर। कम ऑन मच्छन जल्दी। मजा आ रहा है ना? Oh yes, I'm behind you. आई राहुल कहाँ है आजकल? You know, वो इतना बिजी है, वो शूटिंग शेड्यूल प्लान कर रहा है, आर्टिस्ट ढूंढ रहा है, मगर उसने मुझे वादा किया है डॉक्टर मर्चेंट कि 15 तारीख को वो जरूर आएगा पार्टी पे। Very good. आप जानते हैं क्यों? क्यों? Because that day I will complete half a century. Oh, really? I'm going to be a proud 50-year-old woman. And you? Yes. आप भी आएंगे. You better keep yourself free. All right. I'll be. हाँ. Mrs. Anand. जी. आपने ये मोना की सहेली. हाँ. प्रिया के बहुत सारे गुणों से परिचित करवाया. हाँ. आपका इरादा कहीं मुझ पर मेहरबान होना तो नहीं? ऐसा कुछ इरादा तो है नहीं, मगर हो जाए तो कोई बुरी बात भी तो नहीं है।